নমস্কার, তিনি আপনাকে স্বাগত জানাই। বাংলাতে জানতে হলে এক টিপুন, হিন্দিতে জানকারি কে লিয়ে দু দবায়ে। টু কন্টিনিউ উইথ ইংলিশ প্রেস 3। हेलो इंजीनियर्स, दिस इज प्रशांत। तो आज आपके लिए है एक बहुत ही बढ़िया गैजेट जो है एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी का एक मोबाइल। तो ये जो मोबाइल है ये एक्चुअली में एक कीपैड मोबाइल है। तो इसका जो कीपैड है इसको हम लोग जो कि मॉडिफाई करके इसको टचस्क्रीन बना दिया है। मतलब कीपैड को ही आप टचस्क्रीन कर सकते हैं, डिस्प्ले को नहीं। तो कीपैड को हम लोग टचस्क्रीन के जरिए हम लोग कॉलिंग कर सकते हैं और डिस्प्ले पे दिखाई देगा वही कॉलिंग क्या कर रहे हैं, क्या नंबर दे रहे हैं। तो मैंने पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उस पर डिस्प्ले को नहीं लगाया है, तो इस वीडियो में डिस्प्ले को एडजस्ट कर दिया है, जो कि ऐड कर दिया है। अभी इसको आसानी से आप कॉल कर सकते हैं और इसका मॉडिफाई करके और भी बढ़िया से इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो प्रोजेक्ट है ये किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं अपने घर पे ये वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय माउजर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कंपोनेंट बहुत ही कम रेट पे और अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। किसी भी कंपोनेंट को आप सर्च करने के लिए यहाँ पे मैनुअल सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप पार्ट नंबर और कीवर्ड डाल के बहुत ही आसानी से आप इसका सर्च कर सकते हैं। किसी भी पार्ट नंबर आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा और ये आपको ऑर्डर करने का 10 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा एक वेबसाइट है mauser.in। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो इसका जो सर्किट है इसको हमने बना दिया है बहुत ही इजी से। तो इस पर सिर्फ एक माइक्रोकंट्रोलर लगाएंगे और इसका जो सिम रीडर है जिस पर सिम लगाएंगे उसका जो मॉडल है वो है 800L, जिस पर 2G काम करेगा। अगर आपको 3G काम करना है सिम का तो आप लोग लगाएंगे 900L या फिर 900A, किसी भी सिम रीडर को आप लगा सकते हैं जो कि 3G को काम करेगा। और इसका जो इनपुट आउटपुट जो भी है वो मैंने पिछला वीडियो में बता दिया था किस प्रकार से इनपुट आउटपुट करेंगे और कहाँ पे कौन सा वायर लगाएंगे। और सर्किट और प्रोग्रामिंग आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी का जो वीडियो है इस पर सिर्फ डिस्प्ले को ऐड किया है, तो डिस्प्ले को ऐड करके हम लोग इसको बना दिया है। तो अभी चलिए इसका जो डिस्प्ले है इसको हम लोग ऐड करेंगे। अगर आपको जानना है कीपैड के जरिए किस प्रकार से इसको कनेक्शन किया है या फिर कीपैड को किस प्रकार से बनाया है इसको अगर देखना है तो आपको ऊपर जो आइकॉन बटन है इस पर क्लिक करके आपको देख सकते हैं किस प्रकार से कीपैड को मैंने बनाया है। तो अभी चलिए इसके सर्किट को हम लोग बनाते हैं, बना के इसको हम लोग जो कि टेस्ट करेंगे। Thank you.
अभी आप लोग देख सकते हैं ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक देख सकते हैं डिस्प्ले मैंने फिट कर दिया है, और इसका जो सर्किट डायग्राम और टच स्क्रीन का जो भी है वो मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया था। तो अभी आप लोगों को इस पर सिर्फ अलग से एक डिस्प्ले लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो जब भी कॉलिंग पे टच करेंगे वही टच स्क्रीन यहाँ पे कॉलिंग कोई भी नंबर डालेंगे और कॉलिंग करेंगे तो ये कॉल होगा। तो एक्चुअली इसका जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो है टच स्क्रीन, मेन थीम जो है वो है टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन के ऊपर मैंने काम किया है, और मोबाइल जो है वो कीपैड मोबाइल मैंने पहले ही बना दिया था, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और अभी आप लोगों को दिखाते हैं ये टच स्क्रीन किस प्रकार से काम करते हैं। तो अभी हम लोग पावर को ऑन करते हैं, तो पावर को पहले ऑन करेंगे। तो अभी देखिए पावर ऑन हो गया है, तो अभी फाइंडिंग मॉड्यूल आ रहा है, तो मॉड्यूल कनेक्टेड हो गया है। तो अभी नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम लगने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आ रहा है एक्चुअली में, जो कि फाइंड जो है वो हो गया है और नेटवर्क कम्प्लीटली आ गया है। तो इसके लिए थोड़ा वेट करेंगे। तो अभी देखिए फाइंडिंग मॉड्यूल इसमें आ रहा है, तो नेटवर्क फाउंड आ गया है, अभी सिस्टम रेडी हो गया है। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कॉल सी, मतलब सी प्रेस करेंगे तो ही ये कॉल आएगा, एसएमएस करेंगे तो बी पे प्रेस करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग सिर्फ कॉल ही करेंगे, तो कॉल हम लोग जो नंबर पे कॉल करेंगे उसी नंबर पे हम लोग इस पर कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कॉलिंग करेंगे, तो कॉलिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं मेरे मोबाइल पे जो कि कॉल आएगा। तो इस पे से कॉल करेंगे, मोबाइल पे कॉलिंग आएगा, तो इसी मोबाइल पे हम लोग कॉल करेंगे। तो अभी सी पे प्रेस करेंगे जो कि कॉल के लिए है। तो सी पे देखिए अभी प्रेस हो रहा है आफ्टर नंबर, मतलब एंटर नंबर अभी इसमें लिखा आ रहा है। तो अभी मेरा नंबर जो है वो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, और लेकिन थोड़ा ब्लर रहेगा मेरा नंबर जो कि प्राइवेट नंबर है इसलिए। तो अभी हम लोग इसको टाइप करेंगे, तो अभी नंबर को मैंने टाइप कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग ब्लर दिखाई दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे नंबर है। तो अभी हम लोग कॉलिंग पे प्रेस करेंगे तो ये कॉल होगा और मेरे मोबाइल पे कॉल आएगा। तो अभी देखिए कॉलिंग हो रहा है, तो अभी कॉल भी आ गया है। तो इस तरह हम लोग इस पर इसके जरिए हम लोग इस पर कॉल कर सकते हैं। ये जो मोबाइल है वो हम लोग अपडेट कर सकते हैं, और अपडेट करके टच स्क्रीन को हम लोग इजी तरीके से कीपैड के जरिए हम लोग टच स्क्रीन कर सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक मोबाइल फोन बना सकते हैं, वो भी टच स्क्रीन का कीपैड लगा के। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।